मीडिया का मोबाइल है ही नहीं। 1500 मिनट का लक्ष्य लिया था, हमने 1611 मिनट उससे भी ज़्यादा किया है। मैं इन्हें सभी संगठन और संस्थाएं योग में भाग लेकर शिक्षण संस्थाएं सभी ने लिया है। निश्चित रूप से हर बच्चों का जो प्रतिभा सामने आई है और योग के माध्यम से जो यहाँ प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन ऐसे नवाचार करके और अगर उनको मंच पे लाया जाए तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई होगा और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह के हम रहन सहन खान पान में हमारा जो प्राचीन काल का जो बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से हमारा उस समय स्वास्थ्य अच्छा होता था। आजकल भागदौड़ की जिंदगी में एक इस एनवायरमेंट में हमारा स्वास्थ्य कई रोगों से पीड़ित होता है, लेकिन अगर हम योगा और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन में बदलाव लाएंगे, प्राचीन काल वाला बदलाव लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इन सभी संस्थाओं को। मंच से योग आयोग के गठन की मांग की गई है, साथ में जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर रेगुलर योग की शिक्षा। हमारे यशस्व प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब यशस्व प्रधानमंत्री बने थे, जब ही से इस योग के माध्यम से उन्होंने भारत को विश्व का गुरु बनाया है और लोगों ने माना है, इसलिए मैं मानता हूं कि उनका विजन और उनका सपना साकार हो, इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो भी मांग आएगी, जिस पे भी हम लोगों का सहयोग लेकर अच्छा से अच्छा करना चाहेंगे, जिससे कि हमारी समाज में, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं तो आइए। सरकार का पहला सत्र चल रहा है वैसे, और पहले सत्र में ही एक रिकॉर्ड बना रहे हैं आप लोग। ये हमारे सब विद्यार्थी बालक बालिकाओं का धन्यवाद है और उन सभी संस्थाओं का और उन सभी योगाचार्यों का धन्यवाद है जिन्होंने अनवरत रूप से 1611 मिनट तक नगर निगम जयपुर ग्रेटर के सौजन्य से इस महोत्सव में अपने योग प्रदर्शन को आम जन के सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से इससे योग के प्रति लोगों में रुचि बढ़ेगी और जब योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, हर व्यक्ति योग की तरफ आकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से जो सामान्य बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं वो उनसे शरीर से दूर होगी। तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब तन मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे और उनमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, वो सपना इस योग के माध्यम से जब देश के प्रत्येक नागरिक तक योग पहुंचेगा, वो योग को अपने दैनिक कार्यक्रम में आधे घंटे का स्थान देगा, तन को स्वस्थ करेगा, मन को स्वस्थ करके मस्तिष्क को स्वस्थ करेगा। इतनी बड़ी संख्या में योग साधक थे, योगाचार्य थे, सबकी एक ही मांग थी कि योग आयोग की गठन हो, सरकार तक बात पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं उनसे चर्चा हुई है मंत्रिमंडल में और विधानसभा में, हम इस पर आगे चर्चा करके निश्चित रूप से कोई न कोई सकारात्मक। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और जयपुर ने भी एक प्रयास किया। जयपुर के तमाम योग साधन, योग संस्थाओं ने नगर निगम के साथ मिलकर 1500 मिनट से भी अधिक, यानी 1611 मिनट का अनवरत मिला एक विश्व कीर्तिमान है हासिल किया है, और उसके लिए मैं तमाम
हमारी राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे नगर निगम के पार्षद और चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जयपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस तमाम योग संस्थाओं को, योग साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग समिति और तमाम योग संस्थाएं का धन्यवाद। कितने क्या योग साधक थे मैम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? इसमें लगभग 1000 योग साथियों ने कल सुबह 7 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगातार योगाभ्यास किया और बिना रुके हुए, और कुछ योग साधकों ने तो पुनरावृत्ति भी की है 2 बार और 3 बार। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कुछ योग साधक हमारे वृद्धाश्रम से आए हुए, आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम से 80+ जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन में पहली बार योग किया, पहली बार उन्होंने मंच पर परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस योग की ताकत पूरा विश्व ने स्वीकार किया है, तो हमारे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी उस योग की ताकत को थोड़े से समय में सीख कर और मंच के ऊपर कल प्रदर्शित किया। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी और इस बार योग दिवस की थीम भी योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी है। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक समाज के अंदर, एक सभ्य समाज, एक स्वस्थ समाज के लिए इसके लिए योग को अंगीकार करेंगे। जब